सो है व्हाट्सअप गाइस, और सब लोग मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं। तो गाइस आज ऑडियो को इग्नोर मारो क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हूँ, सो मेरी ऑडियो थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। तो ऑडियो को इग्नोर मारते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी फोटो शूट टैलेंट भी लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके एक से कॉपी बना लेंगे। उसके बाद आप लोग प्लेट को जहाँ पर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वहाँ पर लेके जाएंगे, और यहाँ पर आप लोग राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग कर देंगे एड फ्रेम होल्ड, और ये जो सामने वाली एरिया होगी इसको आप लोग डिलीट कर देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा मैं इस तरफ इंक्रीज कर लूँगा। उसके बाद इसको मैं थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ करता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग क्या देखिए एड ट्रक्स, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग को वीडियो ट्रैक 5 फिल करना है। उसके बाद आप लोग सिंपली ओके पर प्रेस कर देंगे। उसके बाद प्लेट को बिल्कुल भी मूव नहीं करना, ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और कीबोर्ड से मैं सी को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इस प्लेट के हिसाब से यहाँ पर एक कट कर दूंगा। और कीबोर्ड से मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा ऑपोजिट के अंदर, ये जो लिस्ट होगी इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके जो मार्क्स वगैरह होगी 0 कर देंगे और इसका वैल्यू आप लोग 200 फिल कर देंगे। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे और ये जो क्रॉप होगी इसको मास्क क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स में और इसका वैल्यू आप लोग 0 कर देंगे। और उसके बाद आप लोग कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके इसका कॉपी बना लेंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोग जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स में और इसको इन्वर्टेड कर देंगे। और मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, पहले तो मैं इसको लेवल चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और इसका जो आई बटन होगी मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा, ठीक, पहले तो मैं इसे फिट करता हूँ। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके इसका कॉपी बना लेंगे और नीचे की तरफ ऐसे छोड़ेंगे कॉपी बना के, ठीक है। और ये जो लेयर लिया इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स में और इसका जो स्केल की साइज होगी आप लोग छोटा कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप लोग फिर से कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके इसका कॉपी बना लेंगे और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स में और इसका जो स्केल की वैल्यू होगी थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। फिर से आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके इसका कॉपी बना लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। और फिर से आप लोग जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स में और इसको सिलेक्ट करेंगे स्केल की जो वैल्यू होगी और थोड़ा इसे डाउन कर देंगे। उसी तरह फिर मैं इसको कॉपी बना लूँगा और इसका जो स्केल की वैल्यू होगी थोड़ा डाउन कर दूँगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप लोग भूल चुके मैं इस आई बटन को हाइड कर चुका हूँ, सो मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। उसके बाद आप लोग इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोग जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स में और इसका जो पॉइजन की टॉलरेंस है ऑन कर देंगे और यहाँ पर मैं इसका रोटेशन भी ऑन कर दूँगा। उसके बाद आप लोग कीबोर्ड से शिफ्ट को पकड़ के राइट के को 4 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4, और इसका जो एक्स की जो पोजीशन होगी मैं इस तरफ बाहर कर दूंगा। और यहाँ पर आप लोग रोटेशन के जो की फ्रेम ऐड किया था इसको यहाँ पर लेके आएंगे और प्लेट को आप लोग सामने की तरफ ऐसे लेके जाएंगे और इसके जो रोटेशन की जो वैल्यू होगी आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे 360। उसके बाद आप लोग जाएंगे इफेक्ट सेक्शन में और यहाँ पर आप लोग को सर्च करना पड़ेगा डायरेक्शन ब्लर। सो डायरेक्शन ब्लर को आप लोग पकड़ के ये जो लेयर लिया था इसको बड़े अप्लाई कर देंगे और मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाता हूँ और इसका जो डायरेक्शन होगी आप लोग फिल करेंगे 90 और इसकी जो ब्लर लेंथ होगी आप लोग फिल करेंगे 5 या 6 और इसको ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे और इन दोनों कीपों को हम ईज इन कर देंगे, ठीक है। और प्लेट को आप लोग इस कीपम पर लेके आएंगे। उसके बाद यह जो लेयर लिया था, ठीक है, इन सबको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग इसको नेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं ओके पर प्रेस करता हूँ तो सिंगल लेयर में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट सेक्शन में और यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म को पकड़ के मैं ये जो नेस्ट किया था इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और गाइस याद रखिए ये जो प्लेट है बिल्कुल भी मूव नहीं करना अभी। तो उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स में और इसका पोजिशन स्केल और रोटेशन की जो टॉगल एनिमेशन है लोग ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके राइट के को 8 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसका जो स्केल की वैल्यू होगी आप लोग इंक्रीज करेंगे इस तरह से। और गाइस रोटेशन की जो यहाँ पर आप लोग की पेम लिया था इसको यहाँ पर लेके आएंगे और प्लेट को आप लोग सामने की तरफ लेके जाएंगे, ये जो की पेम होगी यहाँ पर आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। और रोटेशन की जो वैल्यू होगी आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे 360 और इसको कर देंगे अनचेक और इसकी जो वैल्यू होगी आप लोग फिल करेंगे 200। उसके बाद ये जो दो की पेम होगी इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको कर देंगे इज आउट और ये जो की पेम होगी इन दोनों को कर देंगे इज इन,
ठीक है। उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट सेक्शन में, और पीछे जो भी बैकग्राउंड आप लोग लेके आना चाहते हैं यहाँ पर रख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों का काम हो जाएगा। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, बाय बाय गाइस।